गोंदिया के महर्षि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान गोंदिया भंडारा जिले के 14 मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को किसानों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल ने गोंदिया भंडारा जिले के विकास के लिए एक ही दिन में 22 स्कूल खोले और इसे जिला परिषद को दान कर दिया, क्योंकि दोनों जिलों में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज खोले गए थे। गोंदिया जिले के छात्रों के पास नहीं है शिक्षा के लिए अन्य स्थानों पर जाने के लिए गोंदिया भंडारा जिले के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। इस वर्ष गोंदिया भंडारा जिले के 14 मेधावी विद्यार्थी है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया। शिंदे साहब तुम्ही इथे आले स्वागत आहे, पण काही ना काही या गोंदियाला म्हणजे आम्हाला मला व्यक्तिगत नको, या गोंदियाला आपण काही ना काही देऊन जाव, भंडारा गोंदिया जिल्ह्याला देऊन जाव, हे पण आमचा मूळ उद्देश आहे। तुमचा आम्ही खूप सन्मान करतो, तुम्ही पण आम्हाला खूप प्रेम करता, पण काही ना काही इथे देऊन जाव, त्या अर्थाने आमच्या गोंदिया जिल्ह्याचा भंडारा जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल। और इसीलिए मनोहर भाई पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको आइडिया आए कि यहाँ पर शिक्षा का हम महत्व, यहाँ पर हम क्या रखते हैं और हमारी संस्था इसका जनक है, ये हमको आपको बताना है। दूसरी बात यह है सर कि हमारे यहाँ पर मनोहर भाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था और उन्होंने इस हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया। माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। प्रफुल्ल भाई दर वर्ष यहाँ कार्यक्रम आयोजित करता आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होता। मगाशी त्यांनी मनोहर भाईंच्या बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोकांचा जनतेचा महासागर, शेवटी ही लोक कामाची पोचपावती असते। माणूस कसा जगला यापेक्षा तो किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे फार महत्त्वाचं आहे। आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि कोई व्यक्ति किसके लिए कितना जिया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वह कैसे जिया। आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था उस टेंटाम का भवन, नगर पालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे पैसे कैसे कम पड़ेंगे। अरे देने वाली सरकार है ये, विकास वाली सरकार है, और ये लेने वाली सरकार नहीं है, देने वाली सरकार है। इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले है, पाची बात उनको 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं, तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री गोंदिया आएंगे तो वह गोंदिया को कुछ देंगे। जब शिंदे ने मुख्यमंत्री से रुपए की घोषणा करने की मांग की तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी विपक्ष को ऐसा तर्ज दिया है। प्रफुल्ल भाई पटेल को लंबे समय से जानता हूं, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में है, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंडिया म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे,
प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहाँ से ली और 7 बार रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं, शिक्षा में भारी योगदान किया है, शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है, माध्यम है, आपने भी ऐसा ही काम किया। पिताजी 4 बार विधानसभा में रहे, इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। तो इस स्वर्ण पदक वितरण समारोह में गोंदिया जिले के नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और नागरिक शामिल हुए। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।